कुछ मीडिया न्यूज़ के तरफ से सुनने को मिल रहा है मैग्नाइट यानी कि निसान की मैग्नाइट जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, ये गाड़ी की न्यू जनरेशन मॉडल अभी डेवलपिंग स्टेज में है और ये कुछ ही दिनों के अंदर इंडिया के मार्केट में न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज, न्यू फीचर और न्यू प्राइस टैग के अंदर लॉन्च कर दी जाएगी। इस वीडियो में पूरे डिटेल्स के साथ बात करेंगे, गाड़ी में क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा, क्या नए फीचर ऐड किए जाने वाले हैं और गाड़ी की प्राइस रेंज में क्या चेंज रहेगा और कब तक ये गाड़ी इंडिया के मार्केट में नए अवतार के साथ आने वाला है। पूरा डिटेल्स के साथ बात करी जाएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आपका सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है, तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाकर ऑल क्लिक कर लीजिए। न्यू जनरेशन निसान मैग्नाइट ये बेस्ड है अभी OMF A+ प्लेटफॉर्म के ऊपर। हालांकि ये प्लेटफॉर्म में उतना कुछ चेंजेस नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके एक्सटीरियर में कई सारे आपको बेहतरीन चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। लेंथ में थोड़ी सी चेंजेस हो सकता है, बात करी जाए लेंथ 3995 mm होने वाला है, विड्थ 1780 mm का होने वाला है, हाइट 1560 mm का और ग्राउंड क्लियरेंस वही अभी जितना है 205 mm का होने वाला है। बात करी जाए इसके एक्सटीरियर की डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन में बेहतरीन चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको काफ़ी एडवांस लेवल की और काफ़ी अट्रैक्टिव आई कैचिंग डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। फ्रंट लुक की बात करी जाए, ब्लैक टाइप टिपिकल निसान ग्रिल आपको देखने को मिल जाएगा और इस निसान की लोगो, उसके साथ साथ आपको स्पोर्टी डिज़ाइन के वम्फर्स देखने को मिल जाएंगे। न्यू डिज़ाइन वाला आपको LED हेडलैम्प और LED DRLs देखने को मिल जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है और एक न्यू कंप्लीट न्यू डिज़ाइन आप इसको बोल सकते हैं। उसके साथ साथ चंकी 16-inch एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएगा, ये नए डिज़ाइन किए गए एलॉय व्हील्स है, ये काफ़ी बेहतरीन लग रहा है गाड़ी को। उसके साथ साथ साइड में आपको क्लाइडिंग्स देखने को मिल जाएंगे जो कि गाड़ी को एक स्पोर्टी लुक दे रहा है। उसके साथ साथ आपको स्लोपिंग बैक प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बेहतरीन आपको ये स्पोर्टी लुक देने के साथ साथ काफ़ी अपीलिंग आई कैचिंग भी लगने वाला है। उसके साथ साथ आपको LED टेल लैंप्स और स्पोर्टी बम्पर्स गाड़ी की बैक प्रोफाइल के डिज़ाइन को काफ़ी बेहतरीन बनाएंगे। मुझे पर्सनली ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके साथ साथ बात करी जाए इंटीरियर की, इंटीरियर पे आपको ऑल न्यू अपडेटेड इंटीरियर देखने को मिलने वाला है। उसके साथ साथ प्रीमियम फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगा, बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक आपको यहाँ पे बेहतरीन अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको बेहतरीन कैबिन स्पेस और डैशबोर्ड की बात करी जाए, बिल्कुल नए डिज़ाइन वाला डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लगने वाला है क्योंकि ये पूरा ब्लैकआउट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी आपको लगने वाला है। उसके साथ साथ आपको फीचर्स की बात करी जाए, यहाँ पे आपको भर भर के फीचर्स दिए जाने वाले हैं और कई सारे बेहतरीन फीचर्स जैसे कि मोस्ट वेटेड यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि सनरूफ यहाँ पे हम मिस कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ दिया जाने वाला है। उसके साथ साथ एम्बिएंट लाइटिंग, एक बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें आपको मिलने वाला है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, उसके साथ साथ नेविगेशन और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर और यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिलने वाला है। उसके साथ साथ और कई सारे चेंजेस यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे, एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई सारे कॉस्मेटिक चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि गाड़ी की लुक्स को काफ़ी ज़्यादा एनहांस करने वाला है। इंजन और पावर की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो मिल रहा है वही इंजन यहाँ पे मिलेगा जो कि एक नेचुरल एस्पायर इंजन है। 71 BHP का पावर, 96 Nm पीक टॉर्क विथ 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे माइलेज 18.7 KMPL अभी देखने को मिल रहा है, वही माइलेज आपको भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। सेकेंड वन इज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन
जो कि एक 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है। यहाँ पे आपको 99 bhp का पावर और 160 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। मैनुअल ट्रांसमिशन पे आपको 20 kmpl का माइलेज और CVT में आपको 17.7 kmpl का माइलेज देखने को मिल जाता है। और यही सारा इंजन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा न्यू जनरेशन निसान मैग्नाइट में। उसके साथ साथ आपको एक नेम इंजन मिलने का काफी ज्यादा चांस है, जो 1.3 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन मिलने वाला है, जिसमें आपको 75 bhp का पावर और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग की बात करी जाए तो अभी की बात करें, ये गाड़ी डेवलपिंग स्टेज में है और ये गाड़ी आते आते आपको मिड ऑफ 2023 हो जाएगा। मिड ऑफ 2023 कहीं पे भी आपको ये गाड़ी को शोकेस किया जा सकता है इंडिया के मार्केट के लिए, और एंड ऑफ 2023 तक ये गाड़ी आपको लॉन्च कर दी जाएगी, यानी कि अब से 1 साल के बाद ये गाड़ी इंडिया के मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करी जाए तो 6 लाख से इस गाड़ी की प्राइस रेंज शुरू हो सकता है, क्योंकि ये गाड़ी अभी से काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर्स और काफ़ी ज़्यादा एडवांस दिखने में भी होने वाला है। टॉप मॉडल के प्राइस रेंज 11.5 लाख तक जा सकता है इंडिया के मार्केट में। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन अपकमिंग निसान मैग्नाइट नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के बारे में। आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, और ऐसे नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।